हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज के मार्केट को एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कौन से प्राइस एक्शन बना था और आज बाजार में ट्रेड करने लायक था या बाजार में ट्रेड नहीं करने लायक था। सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और हम लोग चार्ट पे चलते हैं। ये हमारी निफ्टी की चार्ट है और अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही ना, ये जो ट्रेंड लाइन, ये सेलर की ट्रेंड लाइन है। ध्यान रखिएगा इसको, ये सेलर की ट्रेंड लाइन है। और जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ रहा है तो मार्केट में क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है। अब यहाँ पे कैसा चल रहा है देखो आप, यहाँ से जा रहा है मार्केट, यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लेके 50% आया, फिर चला गया, डबल टॉप बनाया, मार्केट आ गया नीचे, फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर रिट्रेसमेंट थोड़ा लिया, फिर गया, और फिर जो है सो यहाँ से सीधे आ गया नीचे, फिर यहाँ से बाइंग आ गई, फिर मार्केट गया यहाँ पे, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर टॉप लगाया, फिर गया, आया नीचे, फिर गया, डबल टॉप लगा, फिर मार्केट आ गया नीचे, फिर यहाँ से सीधे यहाँ पे खुला मार्केट और धीरे धीरे सरकते सरकते मार्केट जो है सो यहाँ पे आया और यहीं पे मार्केट जो है सो एक साइडवेज मोमेंटम करते हुए क्लोज कर दिया है। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो मार्केट जो है एक चैनल का फॉर्मेशन कर चुका है। ये निफ्टी का चार्ट है, मार्केट जो है सो एक चैनल का फॉर्मेशन कर चुका है। इस चैनल में अपर एंड पे सेलिंग आ रही और लोअर एंड पे बाइंग आ रही। अच्छा, एक चीज और है जिसको ध्यान से समझने लायक है, अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात अभी और बताऊंगा जो देख के आप शॉक हो जाओगे। अब यहाँ ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। मार्केट में एक लो ये है, उसके बाद में मार्केट में नेक्स्ट लो ये है, उसके बाद में मार्केट में नेक्स्ट लो ये है, उसके बाद में मार्केट में नेक्स्ट लो ये है, और उसके बाद में मार्केट में नेक्स्ट लो ये है, और उसके बाद का मार्केट का लो ये है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है सो नीचे से खसकते हुए, मतलब लो अपर शिफ्ट हो रहा है और जो सेलर है वो अब जो है सो एक समय के बाद में डरना शुरू कर देगा। सेलर डरना, इस रेंज के ऊपर मार्केट टिकना शुरू हो जाएगा तो सेलर जो है सो डरना शुरू हो जाएगा और सेलर का एसएल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब जो है सो देखो, यहाँ पे बायर और सेलर काफी दूर दूर थे, अब बायर और सेलर जितने पास में आएंगे, मतलब कि मार्केट क्या करता है, देखना आप ध्यान से कि ये जो है ना, ये वाली लाइन और ये कुछ ऐसा है, तो अब मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा, मार्केट यहाँ से गया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, फिर गया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, फिर गया यहाँ पे, फिर आया, अब यहाँ से मार्केट इधर जाएगा या मार्केट इधर जाएगा, अब मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में अब चलने के लिए जगह तो बचा नहीं है ना। तो अब या तो शुक्रवार को या ट्यूसडे को, मंडे को तो शायद मार्केट क्लोज्ड है, ट्यूसडे को मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किधर जाना है। क्योंकि अच्छा, ये जनरली तब होता है जब मार्केट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है, तो इस टाइप के साइडवेज मोमेंटम होता है और उसका लॉजिक ये रहता है कि जितने भी बायर और सेलर हैं, आप थोड़ा सा बड़े और 4 घंटे के चार्ट पे चलोगे और आप देखोगे तो देखो मार्केट क्या कर रहा था। अभी अब इस पूरे चीज को हम थोड़ा मिटाते हैं और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कर क्या रहा था। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था और अभी भी इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, और अपर साइड में जब मार्केट जो है सो एक टॉप लगा देता है, उसके बाद में मार्केट में इस टाइप का मोमेंटम रहता है जो कि वोलेटिलिटी शो करता है। अभी जैसे 70,000 पे बिटकॉइन है, अभी देखना आप उसको भी, मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, बिटकॉइन का भी चार्ट देखोगे आप, और इसका मंथली अगर आप यहाँ पे 1 मंथ का अगर हम यहाँ पे चार्ट देखोगे बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन में क्या हो रहा है देखना आप। अभी ये क्या है कि मार्केट जो है यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, क्योंकि मार्केट में जो प्रीवियस हाई है उसके पास मार्केट जा चुका है। तो अब क्या मार्केट, अच्छा इसमें प्राइस एक्शन तो ऑलरेडी है, ये है प्राइस एक्शन, ये है प्राइस एक्शन है ये, तो अब यहां से मार्केट क्या ऐसे जाने वाला है या मार्केट यहां से नीचे आने वाला है, ये मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट में टॉप लग जाता है ना, तो इस टाइप के मोमेंटम होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको और हमको थोड़ा सा सतर्क होके काम करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेड कम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब टॉप आउट हो चुका है मार्केट, तो इस टाइप के उल्टे सीधे मोमेंटम होंगे मार्केट में, और उसके लिए आपको और हमको रेडी रहना पड़ेगा और अपने कैपिटल को सेव करना पड़ेगा। जैसे अब देखो आप मार्केट में पहले अच्छी खासी गिरावट आती है, देखो गिरावट आती है, फिर मार्केट जो है ऊपर जाके टिका हुआ है, फिर मार्केट अब नीचे आ रहा है, तो अब हो सकता है कि इसको तोड़ के यहां तक आ जाए
या फिर यहीं से बाउंस कर जाए, कोई डिसीजन तो नहीं है ना, तो इसीलिए दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने शायद कोई एक ट्रेड भी बनाया था, बाइंग था या सेलिंग था पता नहीं, नहीं है यहाँ, नहीं है शायद दूसरे उसमें। तो यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपका है यहाँ पे निफ्टी। और आज अगर मार्केट में, सॉरी एक मिनट रुको, आज अगर मार्केट में बैंक निफ्टी ने साथ दिया होता तो शायद निफ्टी आज इसको निकाल देता। तो अभी देखो मार्केट में क्या हो रहा था कि मार्केट में ये टॉप लग रहा था, सेलिंग आ गई। मार्केट में ये चार घंटे का चार आए, टॉप लगा, सेलिंग आ गई। मार्केट में ये टॉप लगा, सेलिंग आ गई। मार्केट में ये टॉप लगा, सेलिंग आ गई। मार्केट में ये लगभग टॉप लगा, सेलिंग आ गई। मार्केट में ये टॉप लगा, सेलिंग आ गई। मार्केट में ये टॉप लगा, सेलिंग आ गई। अब मार्केट इस टॉप पे रुका है, तो क्या यहाँ से नीचे आएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है ना, ये आप और हम तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ से क्या दिख रहा है, अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मार्केट जो है ये इस लेवल पे रुक रहा है। अभी तक इस लेवल पे मार्केट रुका किसी दिन भी नहीं है, लेकिन अब मार्केट, अब यहाँ सारा चीज हम मिटा दे रहे हैं आपको, और अब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये देखो ये है आपका मार्केट जो है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आ जाएगा, ध्यान से समझना, अगर लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट का 100% प्रेडिक्शन कोई नहीं निकाल सकता, इस चीज को ध्यान रखना, मार्केट का 100% प्रेडिक्शन तो कोई निकाल नहीं सकता है। तो अब मार्केट में देखो आज के डेट में क्या है कि इस पूरे लेवल पे सेलर भरे पड़े हैं, तो जब भी मार्केट इधर जाएगा तो सेलिंग आएगी। तो मार्केट सुबह में खुला और इसका एक साइन भी था, क्योंकि अब आपको एक और चार्ट में खोल के और क्लियर करता हूं कि देखो इसका साइन था कि ऊपर नहीं जाएगा, इसका क्लियर इंडिकेशन था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपर साइड का ट्रेड मार दिए होंगे सुबह ही सुबह, क्योंकि लोग को तरह नहीं जाता है, और फिर जो है सो उनको प्रॉब्लम आई होगी, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम आई होगी और लॉस बुक करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो ये सेलर का जोन है, और यहीं पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखना आप बैंक निफ्टी क्या किया है। बैंक निफ्टी में आप आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे देखो आप, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा था, कल भी हमने आपको बोला था कि इसके नीचे, अब इसके बीच में तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ये प्रीवियस जो हाई है वहां तक भी नहीं ओपन हुआ, उसके नीचे ही ओपन हुआ है, और निफ्टी जो है सो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ओपन हुआ है। तो या तो बैंक निफ्टी इस हाई को निकालेगा तब ना हम एज्यूम करेंगे कि निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन स्पष्ट दिख रहा था कि भाई नहीं, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे ओपन हुआ है, और वहीं से धीरे धीरे सरकना शुरू हुआ, धड़क 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 नीचे आ गया। और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे दिन भर बेस बनाया है, मतलब इस पे जब भी आ रहा था तो बाइंग आ रही थी, और इस लाइन के जब भी आ रहा था तो सेलिंग आ रही, सिंपल। तो अब क्या होता है कि इस जगह पे जो ट्रेड करता है उसको कभी प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो चाहिए एक बड़ा प्रॉफिट, 20 पॉइंट 50 पॉइंट चाहिए। मार्केट 30 पॉइंट देगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर तुम लॉस बुक करोगे, फिर घुस जाओगे, फिर 30 पॉइंट देगा फिर नीचे आएगा, फिर तुम्हें लॉस बुक करना पड़ेगा, और इस तरह से आपकी साइकोलॉजी हो जाती है खराब। या फिर मान लो 10-10 पॉइंट बुक कर रहे हो तो आपकी 10 पॉइंट एक बार 20 पॉइंट दे दोगे, 10-10 पॉइंट तीन बार बुक किए, एक बार 20 पॉइंट 30 पॉइंट दे दिए, बात वहीं की वहीं पहुंच गई। तो ऐसे मार्केट में मार्केट को नमस्कार करके और साइड में बैठना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, और जितना इधर आप बनाए होंगे ना इधर हाथ से सब चला जाएगा, कुछ नहीं आपको मिलने वाला, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में कल शुक्रवार है, अगर मार्केट को डायरेक्शनल होना है, अगर मार्केट को डायरेक्शनल होना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना पड़ेगा, या यूं कहें हम कि इसके ऊपर, मतलब ये पूरा सेलर का जो जोन है इसके ऊपर। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एनएससी का ऑप्शन चेन भी आप अगर देखोगे, ऑप्शन चेन थोड़ा सा इसको खोलते हैं, क्योंकि अब जरूरी हो गया है मार्केट को ऑप्शन चेन के नजरिए से भी देखना जरूरी हो गया निफ्टी में खास करके। तो हमारे पास लेवल क्या है, हमारे पास लेवल है 23,500 पे, हम लोग देखते हैं कि 23,500 पे कितने लोग बैठे हैं। तो आपको 23,500 का ये लेवल है। तो देखो ओआई जो है सो कॉल साइड में जो ओआई है वो 5,65,888 है, और ढाई और जो है मेरे ख्याल से 2,58,000 और इसमें ऐड हुआ है, और वॉल्यूम है आपको 3,35,00,000।
इधर है, और इधर इसी जगह पे अगर हम पुट साइड का ओआई देखते हैं तो देखो यहाँ पे पुट साइड में ओआई नहीं है, मतलब कि जो है सो 62,908 ओआई है और यहाँ पे 5,65,000 है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए, कॉल राइटर बैठे हुए हैं। अच्छा 450 पे भी 5,73,000 है और यहाँ पे 98,000 है, तो मतलब कि इस साइड जितने वाई हैं इस साइड है ही नहीं। उसके बाद में 400 पे देखोगे तो 400 पे यहाँ पे 7,00,000 है, कहीं दहीं सैकड़ा हजार, 70,000 वाई है 23,400 पे, और इधर देखो 9,79,000। मतलब क्या है कि मतलब कि इधर भरे पड़े हैं पुट राइटर जो है सो, ये जो है सो 400 से 500 के बीच में पुट राइटर भरे पड़े हैं। और जब भी मार्केट इधर जा रहा है ना, जब भी मार्केट यहाँ पे जा रहा है तो वो धक्का मार रहा है। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट को अगर यहां से बुलिश होना है ना, तो अभी भी है कि जब तक ये 23,500 के ऊपर मार्केट नहीं टिकेगा, या यूं कह लीजिए आप कि ये जो ओआई है, ये जो 23,500 पे जो 5,65,000 ओआई है या 5,73,000 ओआई है, 9,00,000, तो ये बुड़बक थोड़े हैं, ये सबके पास पैसा है भाई, ये पैसा लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सो जब तक ये ओआई नहीं हटता है तब तक कुछ हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जो है सो आपको यहाँ पे जब भी मिलता है तो आपको सेल करके चलना है। अब बात ऐसी आती है कि मार्केट या तो एक डीप मार के या फिर से आए, या यहीं पे और एक दो दिन टाइम पास करके इसके बाद अगर इसके ऊपर 23,500 के ऊपर टिकना चालू हो जाएगा तो मार्केट में 500,000 पॉइंट के एक मूवमेंट आराम से आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट इधर निकला, ये निकला, तो ये सब SL है और ये सब प्रॉफिटेबल SL है, ध्यान रखना। इधर कोई SL नहीं है, इधर जो है सो वो आपको कॉल राइटर है, वो अपना ऐसा वो ऑलरेडी यहीं पे बैठे हैं, बहुत दिन से मान लो बैठे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी प्रॉफिट है। इसके ऊपर जाएगा तो उनका जो डीके का पैसा है वही डूबेगा। लेकिन अगर नीचे आता है तो जो पुट राइटर है, पुट राइटर का मतलब कि पुट का प्रीमियम जो है सो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये सब लोग जो प्रॉफिटेबल है ये सबको, ये जो है आप देखो यहाँ पे SL पड़ा हुआ है, यहाँ पे SL पड़ा हुआ है, यहाँ पे SL पड़ा हुआ है, तो ये जैसे ही टूटेगा दूसरा तीसरा धर आपको यहां तक का आपका जो है सो टारगेट दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये चीज है। लेकिन आप इंतजार करोगे तब ना, ये होगा एक ना एक दिन, या तो ऊपर जाएगा नहीं मार्केट, नहीं तो नीचे जाएगा, होगा ना एक ना एक दिन। लेकिन आपको पेशेंस नहीं है, आप डेली ट्रेड करना चाहते हो कि डेली हमको पैसा मिले, नहीं होगा ऐसे में, आपका कैपिटल वाइप आउट होगा। और ऑप्शन में तो खास करके बाइंग में तो नहीं बनेगा, सेलिंग में भले 10 रुपए बन भी जाए तो बाइंग में मुश्किल है। अब चलो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या किया है कि निफ्टी से बेहतर आज बैंक निफ्टी हमारे हिसाब से काम किया। उसके कारण क्या है, लॉजिक है। देखो अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे आओगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, मतलब इस हाई के आसपास ही हाई लगा है, फिर नीचे आता है, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट दे करके, और फिर ये, तो मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा बढ़िया काम किया है। जबकि निफ्टी तो आज एकदम मतलब ऐसा था ना कि कसम खा के बैठा था कि आज तो तुम लोगों को निपटाऊंगा मैं। अब बहुत सारे लोगों की कैपिटल वाइप आउट किया होगा ये, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद लोगों को लग रहा होगा कि बाई कर ले, लोग यहाँ बाई तो कोई करेगा नहीं, बाई तो इधर कहीं करेगा, और सेलिंग करना होगा तो यहाँ कोई शॉर्ट नहीं करेगा, शॉर्ट तो वो इधर कहीं करेगा और यहीं से फिर सपोर्ट लेके चला जाएगा ऊपर। तो ये आज दिन भर हुआ है और इसमें कैपिटल जो है सो लोगों का वाइप आउट हुआ होगा। अब कल के दिन, कल के लिए हमारे पास क्या प्लान है कि इसके नीचे आए और इस लो को भी तोड़े, इस लो को भी तोड़े, तो इसके नीचे आए और एक ही कैंडल में आ जाए, ये जो है ना, ये जो SL है वो एक ही कैंडल में निपटाए इन लोगों को, तो क्या होगा, जब एक कैंडल में निपटाएगा तो ये भी फियर में आ जाएंगे और ये भी फियर में आ जाएंगे, तो बहुत तेजी से मार्केट आपको ये नीचे साइड का टारगेट आपको दे सकता है, बहुत तेजी से ये टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट और यहाँ पे टाइम पास करता है, या फिर अब देखो कल के दिन क्या होगा कि मार्केट अभी तो था कि यहाँ पे खुला, यहाँ पे बंद हुआ और यहाँ खुला और फिर आ गया नीचे। अब कल के दिन क्या होगा कि मान लो यहाँ खुलता है तो फिर से सेलिंग आ सकती है, और नीचे खुलता है तो फिर से प्रोजेक्शन बना के फिर यहाँ चला जाएगा, तो यही चलेगा। इसलिए जो है सो आपको ध्यान रखना है, सावधान रह के काम करना है, और नहीं ट्रेड बनता है तो ट्रेड नहीं करना है। बैंक निफ्टी में क्या है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो बैंक निफ्टी एकदम, देखो बैंक निफ्टी ये हाई है और ये लो है, इसके बीच में परफेक्ट बैंक निफ्टी जो है ट्रेवल कर रहा है, कुछ उसको टेंशन ही नहीं है, एकदम जो है ऊपर के कॉल नीचे से पुट राइट करके लोग बैठे हुए हैं, आराम से टाइम पास कर रहे हैं और आपको और हमारा पैसा खा रहे हैं। तो इसलिए जैसे ऐसे जगह पे ट्रेड ना करोगे तो कुछ मर थोड़े जाओगे, आपका कैपिटल ही बचा रहेगा, इसलिए ऐसे जगह पे ट्रेड ना करो, क्योंकि ये रेंज है ना मार्केट का, और रेंज छोटा मोटा रेंज नहीं है,
और ऐसे जो रेंज रहते हैं वो 500 पॉइंट का रेंज है भाई, लेकिन आपको दिख रहा है लेकिन वो पैसा बनेगा नहीं ना, क्योंकि सेलर बेच के बैठता है तो उसको डिके का पैसा मिल जाता है। बायर को तो मोमेंटम चाहिए, बायर को तो ऐसा मोमेंटम चाहिए एक ही बार में, मतलब सट चला जाए, एक ही बार में चला जाए तो पैसा बन जाते हैं, नहीं तो ऐसे मोमेंटम में तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा भगवान जाने। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सेंसेक्स के चार्ट में क्या चल रहा है यहाँ पे। सेंसेक्स, हाँ सेंसेक्स का भी लेवल हमने लगा के रखा था और इसको हम आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट में क्या हुआ है, ये कल का लेवल है। देखो सेंसेक्स तो निफ्टी के जैसा ही काम किया है आज, लेकिन एक अच्छी बात यह है सेंसेक्स में चाहे निफ्टी में कि लो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये मतलब अच्छी बात है कि अब बायर और सेलर बहुत क्लोज आ रहे हैं। अब ये भी सेलर नहीं है, अब ये सेलर का एसएल ये जो है, अब यहाँ पे इसको मान के चलो, इसको मान के चलो कि अगर 77-200 के ऊपर टिकना शुरू हो जाएगा ना, एक मोमेंटम आपको अच्छी खासी मिल सकती है, क्योंकि अब बायर और सेलर बहुत पास पास में है, तो यहाँ पे आपको 500 तक का 77-500 तक का टारगेट लेके आप चल सकते हो यहाँ पे 77-500 तक का, और यहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो ये 500-700 पॉइंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर नीचे आता है तो भाई दिक्कत है, फिर तो मतलब कि आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ दिख रहा है नीचे के साइड में, लेकिन वो कब होगा ये भगवान जाने, कोई फिक्स नहीं है ना। अब मार्केट मान लो कि यहीं पे है, कल के दिन यहाँ क्लोजिंग दे दिया तो यहीं से फिर से बाइंग आ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ ही ओपन होता और सरक जाता है तेजी से, या यहीं ओपन हुआ और सरक गया तेजी से, तो फिर ये नीचे वाले लेवल को दिख जाएगा और ये सारे लोगों के एसएल हो जाएंगे। यहाँ ओपन भी हो जाएगा ना तो इसका पहले एसएल हो जाएगा तो ये बुक करना शुरू कर देगा, तो ये नीचे ले आएगा, पुट बाई करना शुरू कर देगा, उसके बाद उसके डर में ये भी बाई करेगा, उसके बाद में ये भी बाई करेगा तो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ खुल गया तो ये कॉल राइटर जो है ये सब बुक करना शुरू कर देंगे, और कहीं इधर खुल गया तो सबसे पहले तो ये बुक करेगा फिर इसके बाद मार्केट धराधर। तो अब सिंपल सी बात है कि देखो एसएल कहाँ पर है, तो एसएल इधर पड़ा है, एसएल कहाँ पड़ा है तो एसएल इधर पड़ा है, एसएल कहाँ पड़ा है तो एसएल यहाँ, लोगों की बाइंग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है ना भाई, एसएल यहाँ पे भी है, तो आज के डेट के लिए एसएल यहाँ पे भी है, तो पुट कॉल के लिए है कि अगर इसके ऊपर टिक गया तो ये सब लोग परेशान हो जाएंगे और आ जाएगा नीचे मार्केट, और इसके नीचे टिक गया तो ये सारे लोग परेशान हो जाएंगे, मार्केट आ जाएगा नीचे, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो अब इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके बीच में हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो हाथ तुम्हारा जलेगा, पक्के में जलेगा। और गैप डाउन और गैप अप, अगर इधर कहीं खुल के टिक गया तो फिर ठीक है, गैप डाउन में अगर इधर कहीं खुल के नीचे आएगा तो ठीक है, और इसी जोन में अगर ओपन होता है और जब तक इस हाई को नहीं निकालता है और जब तक इस लो को नहीं निकालता है ट्रेड मत करना, उस दिन नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे, लेकिन अगर ट्रेड करके अपना हाथ जलाना है तो जलाते रहो, कैपिटल वाइट आउट होते ही रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, अगर आपको वीडियो